દાદાનો શ્યામ મારો રાજા રણ છોડે છે એને મને માયા લગાડી રે. એસા લગ રહા હૈ કે દો ચીઝ મે ચલતી રહેતી હૈ, એક ગુજરાત મે ભાજપા કી સરકાર ઓર એક સ્ટાર પ્લસ પે યેસ્તા ક્યા કહેલાતા હૈ. હા, નિકલ સકતી હો લેકિન કોઈ છેડછાની કર સકતા હૈ તો ઉસકો માર ભી સકતી હું. તો ભાઈ હમ લોગ અભી જૈસલમેર સે બાડમેર જા રહે થે ઓર બીચ મે એક જગહ ચાય કે લિયે રુકે, તો ચાય પે રુકતે હૈ તો હમકો યે સજ્જન મિલ જાતે હૈ. ભાઈ સાહેબ બતાતે હૈ કે આપ લોગ અભી મંદિર સે હોકે આ રહે હૈ. આ પૂરા ટૂર ગયા થા ઇનકા મંદિર કે દર્શન કરને ઓર હિંમતનગર સે હૈ આપ લોગ. અચ્છા, હિંમતનગર ગુજરાત સે? હિંમતપુર ગામ સે આતે. અચ્છા, હિંમતનગર હિંમતપુર ગામ સે આતે. તો ઇનસે બાત કરેંગે, ઇનસે સમજેંગે કે કૈસા હૈ ગુજરાત, ક્યા હૈ ગુજરાત, ગુજરાત મે ક્યા ચીઝે ઘૂમ સકતે હૈ, વહાં કે બુદ્ધે ક્યા હૈ. ભાઈ સાહેબ આપકા નામ, શુભ નામ? मेरा नाम रमेश भाई, रमेश पटेल. अच्छा, रमेश भाई पटेल जी. अच्छा, आपका भाई साहब? मेरा जयंती भाई, जयंती भाई मैणा भाई पटेल. अच्छा भाई पटेल, भाई साहब एक चीज पूछूंगा आपसे कि ऐसा जब भी गुजरात के कोई नाम आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आप हर चीज के आगे भाई लिखते हो, जयंती भाई पटेल, भाई पटेल? आप हमारे गुजरात की जो परिभाषा है ना. हाँ जी. वो जेंट्स होते हो. हाँ. उसके लिए भाई होता है और जो लेडीज होती है बहन फट जाता होता है. बहन. हाँ, तो जैसे हम लोग तारक मेहता देखते हैं उसमें दया बहन आती है. दया बहन आती है. गुजरात की है ना ये संस्कृति, संस्कृति ऐसी है कि उसके भाई और बहन को मान मर्यादा से बुलाया जाता है. अच्छा, कि भाई जयंती भाई है, मोहन भाई है, रेखा बहन है, सुधा बहन है, नाम है, आखा नाम बोला जाता है. आपका भाई साहब नाम क्या है? मनोहर भाई. मनोहर भाई पटेल. मनोहर भाई पटेल. तो भाई साहब पटेल जो समुदाय है वो बहुत होता है ना गुजरात में? पटेल की समुदाय संख्या ज्यादा है. पाटीदार समाज. पाटीदार समाज. पाटीदार. अच्छा, गुजरात में पाटीदार समाज है. और कौन 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 से समुदाय रहते हैं गुजरात में? पटेल, कड़वा पटेल है, लिब्बा पटेल है, चौधरी पटेल है, ब्राह्मण है, सुथार है, मुसलमान है. अच्छा, हरिजन है. हरिजन भी है. एससी एसटी ओबीसी सभी जात के लोग गुजरात में मिलते हैं. तो आपको भाई साहब पहले तो मैं सबसे चीज ये पूछूंगा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो गुजराती, हमारे देश के जो गृह मंत्री वो भी गुजराती है, तो आपको कैसा लगता है ऐसे गुजराती होके कि आपके दो दो प्रतिनिधि देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? अच्छा काम करते हैं वो. अच्छा काम करते हैं. अच्छा काम करते हैं भाई साहब. आपको मतलब मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हमारे हम यूपी के, तो अगर हमें लगता है कि भाई यूपी का कोई है जो हमारे यहाँ का लीडर है वो देश का भी लीडर बन जाए तो हमको तो बड़ा गर्व होता है. सरदार पटेल भी गुजरात के. सरदार पटेल भी गुजरात के. महात्मा गांधी भी. महात्मा गांधी भी गुजरात के थे. तो गुजरात ने अगर आप देखो तो बहुत महापुरुष हैं. गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है कि इतने सारे जो है महापुरुष गुजरात से आते हैं? भावात्मा के एक दूसरे के साथ भाव रखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है, उसके पास काम कैसे लेना है, उससे भाव से वो काम करते हैं. इसलिए सबको सपोर्ट करते हैं, अच्छे काम में सबको सपोर्ट करते हैं. अच्छा. काम अच्छा होना चाहिए बस. गुजरात में क्या फसल उगती है ज्यादातर? मूंगफली. मूंगफली. चौमासे के सीजन में मूंगफली, अभी सियाली के सीजन में गेहूं. गेहूं. टोबैको. टोबैको. हाँ. अच्छा, मतलब तमाकू. अच्छा. और आलू. आलू. आलू की खेती ज्यादा होती है ये इस सीजन में या फिर सबसे? अभी तो गेहूं और आलू और टोबैको. और गर्मी में जब अपना? गर्मी में तो कोई मूंगफली. मूंगफली. अच्छा, कोई अगर महिला में हमारे साथ आना चाहे तो प्लीज अगर बैठ जाएगी सब बैठे, कोई भी एक आप आके प्लीज हमको बड़ा आइए. अरे कोई बात नहीं, आप आके बैठिए बस, ये हमारे लिए बड़े हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि आप मतलब क्या है. आई बैठिए, बिल्कुल बैठिए. आपका नाम क्या? पटेल शीला बेन राकेश भाई. पटेल शीला बेन राकेश भाई, मतलब आप अपने जो हस्बैंड का नाम है उसके बाद लगाते हैं. अरे क्या करते हैं आप? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ. अच्छा. और पशुपालन का उद्योग है हमारा. पशुपालन का आपका उद्योग है? गाय भैंस. गाय भैंस. अभी वो बता रहे थे कि आप भजन मंडली में आप गाते भी. हाँ. गाते हैं आप? कुछ गा के सुने. द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे ने मने माया लगावी रे. राधा नो श्याम मारो राजा रण छोड़ छे ने मने माया लगाड़ी रे. राधा नो श्याम मारो राजा रण छोड़ छे ने मने माया लगाड़ी. राधे राधे. राधे राधे राधे. इसका आप मुझे अर्थात जैसे ये तो समझ गया आपने जो पहली लाइन बोली कि क्या था आपका पहला? द्वारिका. द्वारिका के जो राजा है. हाँ. वो राजा रणछोड़ है. हाँ. उसने हमें माया लगाड़ी. हाँ. अच्छा, और दूसरा आपका जो था वो राधा का श्याम. अच्छा. राधा का प्रिय. हाँ.
और राजा रणछोड़ है। अरे वाह क्या बात है। यही आप भजन मतलब आपके साथ सब गाती हैं। अच्छा एक बार जरा पैन शॉट लेके दिखा दो जरा बाकियों को भी। ये भी है मतलब साथ में पूरी भजन मंडली है। सर्विस जितना सैलरी तो हम पशुपालन में से निकाल लेते हैं। अच्छा तो आप पशुपालन करते हैं बाकी आप लोग भी सभी तो मतलब पूरे गाँव में खेती के साथ पशुपालन। अच्छा खेती आदमी लोग खेती करते हैं औरत लोग पशुपालन। आप में से पटेल कौन कौन है? पटेल सब। अच्छा अरे भाई सब पटेल। तो पटीदार आंदोलन जो चला उसमें से किसी ने हिस्सा लिया था कोई था यार? अच्छा सब गए थे। अच्छा अरे हार्दिक के साथ फोटो भी खिंचवा के आए हैं। पर हार्दिक पटेल का तो फिर बाद में वो कांग्रेस में चले गए फिर उनका कुछ और हो गया। द्रोह का केस था। हाँ और बहुत भी केस थे। हाँ। वो बीजेपी में आने के बिना तो वो निकल ही नहीं सकता था। तो ये तो गलत बात है ना? गलत तो है लेकिन हम क्या करें बीजेपी में है तो हमारा भी काम हुआ है। 10% मिला तो मिल गई। गवर्नमेंट सर्विस है ना, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जो ओपन सीट वाले 10% एक्स्ट्रा होती। अच्छा 40 जो मिलती थी जिनके 10% मिली तो इसलिए वो लाभ हुआ। ये क्या 10% ना क्या है, क्या थी ये लड़ाई मेरे को बताएंगे? गवर्नमेंट की जो सर्वेंट की भर्ती होती है ना उसमें 100% भर्ती 50% से ना रिजर्व सीट होती है। अच्छा 50% सीट थी। हाँ। इसमें सभी ओपन आती थी। हाँ। ओपन कैटेगरी वाले में जो अन्याय होता था तो उसने बोला कि हमको भी 10% दे दो। पटेल के बोला कि वो पटेल ब्राह्मण राजपूत इसके लिए 10% ना मत मांगने की तो सरकार ने ये सोचा कि उसको भी 10% दे दो। 10% देना पड़ेगा। वो 10% दी तो 50 में 10 दिए 40 ओपन हो गई और 60 है ये रिजर्व हो गई। 60 के अंदर ये रिजर्व जे है SC ST OBC और ये ओपन ये आ जाते हैं और वो 40% में सभी समेत आ जाते हैं। अच्छा वो मेरिट के हिसाब से होते हैं। अच्छा भाई साहब एक चीज़ आप लोगों से पूछोगे कि मतलब जैसे हम लोग गुजरातियों के बारे में एक चीज़ बहुत सुनते हैं कि धंधे में बड़े माहिर होते हैं। धंधा गुजरातियों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जहाँ धन जैसे हमारे अंबानी जी हैं गुजराती हैं, अडानी जी हैं गुजराती हैं और भी हमें बहुत सारे बिजनेसमैन के नाम गिना दूंगा जो गुजरात से आते हैं और एक ऐसा बना हुआ है परसेप्शन कि गुजराती जो आदमी होता है वो कटा होता है आपके टका होता है आपके यहाँ टका के हाँ टका के हिसाब से बात करता है। तो क्या मतलब क्या है ऐसा गुजरात की भाई आप लोग धंधे में बड़ा तेज होते हो ऐसा सिखाते हैं बच्चों एक माहौल बना रहता है? एक पहला तो ये होता है धंधे करने के लिए कहाँ भी जाते हैं। हाँ। यही नहीं कि दिल्ली में रेसिडेंट वाले होते दिल्ली में रहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। वो गुजरात बाहर जाते हैं। हाँ। गुजरात बाहर जाके अपने धंधे के अंदर अपने अपने हाँ। कहाँ से अच्छे धंधा हो सकता है। हाँ। कहाँ से सारे पोते प्रोडक्ट कर सकता है। हाँ। के बारे में सोच के धंधे करते हैं। कोई भी धंधा करने में पीछे हट नहीं करते सब साहस कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि फसल का जो हम खेत में करते हैं ना वावेतर वो 3-4 महीने लग जाते हैं। उस टाइम जो हमारा जो पशुपालन का धंधा होता है ना वो मंथली 3 बार सैलरी होती है उसमें 3, 23 और 10 दिन में पेमेंट हो जाती है। वो पेमेंट आती है वो हम सब घर में घर खर्च करते हैं और जो खेती की आती है वो हम बचत करते हैं। एक ये चीज है जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप लोग भी सुनिएगा इस बात की क्योंकि बड़ा हमारे लिए पहली बार दफा है ना तो हम लोग को बड़ा यूनिक लग रहा है कि जैसे कहीं भी जाके बात करते हैं है ना हरियाणा में गए तो ऐसे 4 लोग मिल गए हमने बात की। हम लोग राजस्थान में गए 4 लोग मिल गए। दिल्ली में भी बात कर रहा हूँ मैं कहीं कहीं भी जाते हैं तो आदमी लोग आते हैं। ये मैं ऐसे पहली बार कहीं बैठ रहा हूँ और बिल्कुल मतलब अग्नि साक्षी यहाँ पे कह बोल रहा हूँ कि पहले जगह से जैसे औरत भी आके ना एक उसी समान स्तर पे आके बात के वो वार्तालाप में हिस्सा ले रहे हैं। हमको सभी सम्मान मिलता है। लेडीज में समानता होती है। समानता होती है। वो नहीं कि लेडीज आप पीछे रहे हो जैसा आगे रहे ऐसा नहीं होता। समानता रहती है और तभी खुशहाली समृद्धि भी चाहिए। खाना पीना हमारे गुजरात में क्या है हमारे गुजरात में क्या है आदमी का बराबर औरत का भी सम्मान होता है। टीचर में के वो सरपंच में अभी अभी लेडीज को रखा जाए हर जगह लेडीज को बराबर का हिस्सा मिले इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी पूरा देश में वो क्या बोलते हैं लेडीज फर्स्ट करने स्त्री सशक्तिकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसीलिए औरतों को सम्मान मिलता है। अच्छा दाल में मीठा क्यों मिला देते हैं?
दाल में चीनी क्यों मिलाते चीनी के साथ? चीनी के साथ खट्टा भी रखते है दोनों रखते हैं नींबू वाले। अच्छा, गुजरातियों को खट्टा मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए चीनी नाखते हैं। एक ऐसे ही चलते ना, एक बहुत अच्छा चुटकुला है कि आदमी जाता है कहीं, गुजराती जब भी जिस ट्रेन में जाके सफर करते हैं तो पूरा ट्रेन जो है वो पेंट्री से खाना लेता है और पेंट्री गुजरातियों से खाना लेता। आपके क्या है कि मतलब जैसे मैं देखा है कि समृद्ध है वैसे तो गुजरात काफी, पर कुछ भी ऐसी चीज जिस पे अभी काम होना बाकी है, अभी नहीं हुआ है? तो कोई दिक्कत नहीं है। सब काम हो गया, काम तो हो रहा था। गामड़ा में भी कुछ काम बाकी नहीं है, 24 कलाक की बिजली सब गुजरात में 24 घंटे बिजली। छोटे छोटे गरीब से गरीब घर होगा ना, उसके घरों में भी 24 कलाक बिजली जलेगी। गुजरात में सोलर का प्रमाण ज्यादा है, सोलर का ज्यादा है। सोलर जैसे यहाँ पे विंड का बहुत है, इधर हर जगह आप जाओगे ना हर जगह आपको विंड मिल दिखेंगे। वैसे दिल्ली में मोदी जी बोलेंगे थाली बजाओ तो हम गुजराती लोग थाली बजाएंगे, वैसे इसने बोला सोलर लगाओ तो हमने सोलर लगाया, गांव में कैमरा लगवाया, गांव है तो मोदी जी का बड़ा सम्मान है। मतलब वैसे हमारा गुजराती है ना, तो इसका सम्मान रखते हैं तो सब वो बोलते हैं वैसा सब गुजराती करते हैं। गुजरात के बारे में एक चीज जो आपको लगता है कि गुजरात के बारे में सबसे अलग है, बाकी किसी राज्य में नहीं होगी, वो गुजरात में सेफ्टी ज्यादा मिलती है। सेफ्टी ज्यादा, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो भाईचारा ज्यादा रखते हैं। अच्छा, भाईचारा बहुत। हाँ। गुजरात वाले सभी मायरू है, साथ में रहते हैं, रात को भी लेडीज अकेली फिरती है तो कुछ भी नहीं होता, कभी साथ में रहते। आप बताएं मैम के क्या जो बोल रहे हैं आपके पूरे सही बात है? नहीं, सच्ची बात है। आप कहीं भी अगर मान लो आप अपने हिम्मत नगर में आप हैं, आप 11 बजे रात को निकल सकती हैं निश्चिंत? हाँ, निकल सकती हो, और लेकिन कोई छेड़छाड़ कर सकता है तो उसको मार भी सकती हूँ। अरे ऐसा मत कीजिएगा, मतलब आप मार दे इसके लिए कानून नहीं लगा सकते। कोई भी लड़का आ जा सकता है, ऐसा ही है, पुलिस भी आ जाती है, कोई छेड़छाड़ी नहीं। गुजरात में हम लेट से आते हैं घर पे तो भी हम ऐसे नहीं है कि पटेल की गाड़ी में ही आते हैं, ऐसे नहीं है, कोई भी कास्ट की होती है, लेकिन हम सेफ है। आप लोग क्या देखते हैं महिलाओं से पूछूं मैं? स्टार प्लस, स्टार, अरे स्टार प्लस तो अच्छा, कौन सा सीरियल स्टार? अनुपमा, अनुपमा सब चैनल देखते हैं सब। अभिनव गाड़ी, अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप देखते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो ज्यादा देखते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो तो बंद हो गया, अभी बंद चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसा भी कितना ऐसा लग रहा है कि दो चीज में चलती रहती है, एक गुजरात में भाजपा की सरकार और एक स्टार प्लस पे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। हम तो मोदी जी को जिंदाबाद बोलते हैं। अच्छा, मोदी जी को जिंदाबाद बोलते हैं, बहुत प्यारे हैं मोदी जी। हाँ, बहुत प्यारे हैं, गुजरात के नेता है। अरे आपका तो स्टार प्लस है ना, आप उसको अनुपमा को लड़ाओ ना। तो ठीक है भाई, हम लोग फिर जैसलमेर से निकल रहे थे बाड़मेर की ओर, और बीच में हमको ऐसे जाते हुए ये गुजराती कम्युनिटी के लोग मिले, हमने इनसे बात की गुजरात के बारे में, कुछ समझा खाने के बारे में, वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ के मुद्दों के बारे में, और ये इशू था। आपको ये पूरा वीडियो जो था वो आपके सामने है, आपको पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक कीजिएगा भाई। जो सार्थक भाई जो किया, जो बोला, जो प्रश्न हुआ उस वीडियो, ये सभी हम साथ में आप लाइक करेंगे और उसका जो प्रश्न था अच्छे से जवाब करेंगे। लाइक करना, हाँ, सब लोगों को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भाई, सेम। चलिए, थैंक यू।